The big political news break first on India Today. Only speculation for now, but could this also be happening? Is Manish Tiwari also in touch with the Bharatiya Janata Party? One of the senior member of parliament for the Congress party, has represented Punjab for the longest time, has been one of their big spokespersons and has been a critic of the Bharatiya Janata Party. How is this now emerging? Is Manish Tiwari also in touch with the Bharatiya Janata Party? Remember, he's presently the Anandpur Sahib Member of Parliament, has repeatedly been one, and according to our information, possibly wants to contest elections from Lok Sabha, from Ludhiana, and if that happens, could BJP be giving him that opportunity? If this happens, this is the first news break you've heard on India Today, remember, that and on Manish Tiwari, with the rumors around Kamal Nath, now it is Manish Tiwari. Let's go across to Himanshu Mishra, getting us that big news. Himanshu, how should one see this? Ki Kamal Nath to na deny kar rahe hain, na confirm kar rahe hain, 24 ghante se upar ho gaya us baat ko, aur ab Manish Tiwari ka bhi naam aa raha hai. देखिए, मनीष तिवारी की बातचीत पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के साथ चली थी जब वो कांग्रेस की G20 का पार्ट थे. लेकिन अब एक बार फिर से मनीष तिवारी जो है बीजेपी आला कमान के संपर्क में भी है, और क्योंकि मनीष तिवारी जो है वो आनंदपुर साहिब से सांसद है, वो लुधियाना से भी सांसद रह चुके हैं, और मनीष तिवारी जो है वो लुधियाना से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं. लेकिन लुधियाना में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की तरफ से कहा गया है कि उनके पास जो है सक्षम उम्मीदवार वहां पर है, आप आनंदपुर साहिब से ही लड़िए. अगर उस पर बातचीत सहमति बनती है, चाहे वो लुधियाना या आनंदपुर साहिब से, तो मनीष तिवारी भी जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं. तिवारी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स, कोई क्लैरिटी, या वो भी कमलनाथ की तरह नो कॉन्फर्मेशन, नो डिनायल मोड में है? देखिए, एक चीज है पूजा, राजनीति में आदमी तब तक चुप्पी साधे रखता है जब तक जो है पूरी चीजें कंफर्म नहीं हो जाती है. बिल्कुल सही बात. कमलनाथ ने भी कल यही बात कहा था कि जब कोई ऐसी बात होगी, कोई क्लैरिटी होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा. इसका मतलब ये था, उन्होंने भी आधा ग्लास खाली और आधा ग्लास भरा छोड़ दिया कि जब चीजें हो जाएंगी तो आपको बता दी जाएंगी. कहीं ना कहीं आग लगने की बात तब कही जाती है जब कहीं से धुआं नजर आता है. तो कुछ बुबाहट है मनीष तिवारी को लेकर भी और कमलनाथ को लेकर भी. कमलनाथ के समर्थक विधायक जो है वो दिल्ली भी पहुंचना शुरू हो गए. कमलनाथ के साथ आप कह रहे हैं एमएलए भी पहुंच रहे हैं और मनीष तिवारी की भी बात आ रही है. अगर मनीष तिवारी पे एक सवाल और लेना चाहूंगी हिमांशु, क्योंकि ये काफी सीनियर नेता रहे हैं, ये वो ओल्ड गार्ड जो कहा जाता है, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, उनके साथ रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस को बदलते हुए भी देखा है इतने सालों में, जो जब राजीव गांधी, सोनिया गांधी और फिर अब राहुल गांधी की लीडरशिप आती है, मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप आती है, तो कांग्रेस की तरफ से चाहे ओल्ड गार्ड हो या यंग गार्ड हो, ऐसा महसूस हो रहा है कि एक एक करके सभी एग्जिट कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जब किसी को पार्टी का भविष्य अधर में नजर आता है तो कोई भी राजनेता हो पूजा, वो अपना भविष्य किसी तलाश में आता है, और इसको हम लोगों ने देखा भी है. कांग्रेस के अब तक जो है, अगर कमलनाथ शामिल होते हैं तो 13वें मुख्यमंत्री होंगे जो शामिल हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर. कमलनाथ वो व्यक्ति है जिनके लिए इंदिरा गांधी कहती थी कि वो उनके 30वें बेटे हैं. मनीष तिवारी के पिताजी भी जो है वो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं. मनीष तिवारी खुद जो है वो अनिल तिवारी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, यूथ कांग्रेस के अंदर बड़े पदों पर रहे. वो लोकसभा से जो है दूसरी बार सांसद है, इससे पहले 2009 में वो लुधियाना से सांसद बने थे. और आप याद कीजिए कि मनीष तिवारी को बड़ा पोर्टफोलियो जो है यूपीए सरकार में INB मिनिस्ट्री के तौर पर दिया गया था.